सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा हर जीवों में साई बसा है हर जीवों में ओम साई राम। मैं साई पूजा आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ साई पूजा चैनल पर। और मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मैं इस वक्त पवित्र भूमि पर हूँ अपने साई की नगरी में, जहाँ प्यार ही प्यार बाबा बरसाते हैं और लगता है कि बस अब दीवाने हो गए हैं जुनूनियत से ज़्यादा। बस हर पल हर क्षण श्री साई बाबा की याद और बस उनकी बातें ही याद आती है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आज साईं भक्त बहुत सारे हैं और आज एक साईं भक्त है जो कि राजस्थान से आए हैं। मैं उनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ और बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू बताने वाले हैं। और मैं भी इनका इंटरव्यू सुन रही थी और मैं बहुत ही खुश हूँ कि लोग बाबा से इतना प्यार करते हैं कि जिसके कोई अल्फाज नहीं है। तो चलिए मुलाकात करते हैं एक साईं भक्त के साथ, उनका जानते हैं उनका नाम और बाबा से कब से जुड़े और उनके क्या अनुभव हैं। तो चलिए आप भी धन हो जाओगे और मैं भी सुन के धन्य हो जाऊंगी। तो चलिए अब मुखातिब होते हैं उस भक्त के साथ। आपका नाम क्या है? मैं भंवर, नाम है मेरा भंवर मेघवंशी, राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ। अच्छा, बाबा से कितने वर्षों से जुड़े हो? 16 साल हो गए जी। 16 साल से हर साल ही यहाँ आता हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 9 बरस पर मालिक मुझे अपने दरबार में बुलाता है। घर से सोच के आता हूँ कि आज मैं इस दिशा में बैठ के पूजा करूँगा, वहीं बैठा के मुझे बाबा जी पूजा के लिए अनुमति दे देते हैं। तो बाबा से कितने वर्षों से जुड़े हैं? मैं 16 साल। 16 साल से। तो कुछ ऐसे अनुभव बताइए कि जो भक्त सुन रहे हैं वो आपको सुने और उनकी आंखों में आंसू आ जाए। मैं पहले साल जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मेरे ताई जी का लड़का मुझे यहाँ लेके आया और उस साल मैंने यहाँ आते ही एप्लीकेशन दी बाबा जी मुझे हर साल बुलाना, और वो दिन है आज दिन बाबा जी ने मुझे कभी निराश नहीं किया। और आज तक सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये रही है कि मैंने आज तक लोग चाचा मैंने पहले टिकट बुक कराते हैं, मैंने कभी टिकट बुक नहीं कराई थी। मैं एक दिन पहले जाता हूँ, मेरी टिकट बुक कराता हूँ और साईं जी मेरी टिकट ओके कर देते हैं जी। आने के बाद मैं 7-8 दिन रुकता हूँ और आने की कभी टिकट बुक नहीं कराई। मेरा मन करता आज जाना, बाबा जी बोलते बेटे तेरी टिकट बुक होगी, चले जा, फाइनल होगी जी। तो मुझे कभी निराश नहीं। मेरा बच्चा बेंगलोर जॉब करता था, पढ़ता था वहाँ पर, तो काफ़ी परेशान हो गया, कहते पापा जी कुछ जॉब नहीं मिल रही। तो बाबा जी को मैंने एप्लीकेशन लगाई, बाबा जी बच्चे के कोई आदेश करो लग जाए जी। तो जैसे ही मैंने बाबा जी को बोला, बाबा जी बच्चे का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हमने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बच्चे की खुशियाँ दो आप बच्चे के लिए। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बच्चा बेंगलोर में जॉब के लिए इधर भटक रहा है, तो आपकी आशीष हो जाए। तो साईं जी ने ऐसी कृपा की, बच्चे को बहुत अच्छी कंपनी मिली, बड़ा अच्छा पैकेज मिल गया। जीवन के अंदर उनसे जब भी कुछ मांगता हूँ तो निराश नहीं होता हूँ मैं। कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में आए? हाँ निश्चित आते रहते हैं, कोरोना काल में भी आए हैं, उससे पहले भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, पर मालिक ने हमेशा ही हाथ रखा। जो भी मैं सोचा वो मेरा सपना पूरा किया और आगे भी इस दरबार से ही सपना पूरा करेंगे। कुछ कभी ऐसा वाकया हुआ है आपकी लाइफ में जहां आप बहुत ज़्यादा निराश हुए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? जी हाँ बिल्कुल, कभी पारिवारिक भी स्थिति ऐसी हो गई, कोई साथ देता था कोई नहीं देता था, तो मालिक से मांगा, मालिक ने हमेशा ही हाथ पकड़ के रखा मेरा। अच्छा, आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही दूंगा, ये बहुत बड़ा दरबार है, शायद आप मुंह से निकालिए, उस दरबार में कोई खाली हाथ तक नहीं गया। बिल्कुल। और आज आप शिरडी में हो और आपको कैसा लग रहा है? मैं सोचता हूँ जीवन में अलग अलग नेक्स्ट जन्म में मेरा जन्म मिले तो शिरडी नगर में मिले। क्या मैं तो अभी है? भी कहता हूँ बाबा जी कुछ छोटा मोटा प्लाट यहीं दिला दो, जो यहीं बैठा रहूँ मैं तो। क्या बात है, ये सौभाग्यशाली हूँ कि इस धरती के ऊपर हम आए हैं जी। बिल्कुल, यहाँ जो जितने घूम रहे हैं ना, बड़े अच्छे पुण्य किए जो शिरडी के अंदर आके अपना यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं, नया साल मनाते हैं, परिवार के साथ आते हैं। मेरे ख्याल हम उन गिने चुने आदमियों में हैं जो मालिक हमें चुन रहा है।
क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस पवित्र भूमि पर आप और हम सब धन्य हो जाते हैं आके। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा इनका अनुभव। बाबा को माने, बाबा को जाने और भक्ति करें, क्योंकि बाबा वो हैं जहाँ से आपको सब कुछ मिलता है। जैसे कि भाई साहब मुझे बताते जा रहे हैं कि आज जो उनकी लाइफ चेंजेस हुई है वो बाबा की बदौलत। बिल्कुल, मेरी उनको बाबा की बदौलत है। और आज भी मैं कभी निराश होता हूँ या जीवन में कुछ ऐसी दुविधाएं आ जाती है तो मैं तो रात को याद करता हूँ, सुबह मेरा काम हो जाता है। इससे बड़ा और मेरे लिए जीवन में कोई अनुभव नहीं एक, है। एक वर्ड याद आ रहा है एक भजन का, छोटा सा प्यारा सा भजन जो मैं दो लाइन में आप लोगों को सुनाऊंगी। भैया की बात पे दो लाइन का भजन मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। इस दरबार में हम खड़े हैं और दो लाइन ना हो तो फिर ये अनुभव अधूरा है, क्योंकि लास्ट इन्होंने वर्ड जो बोले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते तो तुम हो बाबा, करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई नहीं था मेरा फिर तो धमारा मारा, बेआसरों को बाबा तुमने दिया सहारा, तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम साई राम, जय श्री।